हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो जैसा कि आपको पता है कि हमने NTSC की एक सीरीज शुरू की है मैट की, जिसमें हमारा टारगेट है 100 out of 100। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम NTSC मैट के ऊपर पूरी एक रेंज लेकर आए हैं, पूरी एक सीरीज़ है हमारी रीजनिंग की। जो भी स्टूडेंट हमारे साथ रहेंगे तो हम उनको 100 मार्क्स 100 में से अचीव करवाने वाले हैं। और जैसा कि आप पीछे देख रहे हैं एक फिगर बनी हुई है ट्राइंगल की, तो आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा फिगर काउंटिंग। यानी कि कोई भी फिगर हमारे पास रहेगी, ट्राइंगल की रहेगी या फिर कोई भी स्क्वेयर की रहेगी, लेकिन इस वीडियो में हम सिर्फ ट्राइंगल करेंगे और इससे नेक्स्ट वीडियो में हम स्क्वेयर को काउंट करना सीखेंगे। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है कि एक ट्राइंगल बनी है और उसके अंदर बहुत सारी ट्राइंगल्स बनी हुई हैं, और ये है टाइप 1। मैं आपको आज इस वीडियो में 5 टाइप्स की जो ट्राइंगल हैं वो आपके पास क्वेश्चन आते हैं उनको हम सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं, शुरू करते हैं हमारी वीडियो। अब देखते हैं, इसमें अगर इस प्रकार की ट्राइंगल आपके पास आ जाती है और आपको बोला जाता है कि इसके अंदर कितनी ट्राइंगल्स बनी हुई हैं, यानी कि ये एक त्रिभुज है और इसके अंदर कितनी त्रिभुजें बनी हुई हैं, तो इसको देखते ही दिमाग एक बार हमारा जो है वो चकरा जाता है कि इतनी सारी इसके ट्राइंगल बनी हुई हैं, इसको कैसे काउंट करेंगे। लेकिन मैं आपको आज इस वीडियो में ऐसी ट्रिक, ऐसी टेक्निक दूंगा जो आप इस देखोगे इस त्रिभुज को तो आप इतनी जल्दी से बोलोगे कि ये इसमें इतना आसान से हो जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप देखिए, अगर इस प्रकार से ये इसके अंदर कितनी त्रिभुज हैं, कितने ट्राइंगल हैं, सभी को दिखाई दे रहा है कि ये एक है। और अगर इसके बीच में मैं ऐसे एक लाइन लगा देता हूं, अब इसमें कितनी दिखाई दे रही है, 1, 2 और एक ये जो पहले बनी थी, तो टोटल कितनी होगी, 3। कितनी हुई है, 3। हमने बड़े आसानी से इसको काउंट कर लिया। लेकिन अगर हमारे पास इसके अंदर एक और यहां पर ऐड हो जाती है, अब इसके अंदर कितनी है, 1, देखो यहां पर 2, 3 तो हो जाती हैं, फिर 1 और 2 से एक बनेगी, फिर 2 और 3 से एक बनेगी, और फिर एक ये सारी बनेगी, यानी कि टोटल कितने होंगी, 6। पहली में हमने काउंट किया था कैसे, देखते हैं ऐसे, ये 1 थी, इसके बाद हमने इसमें एक लाइन ड्रॉ की, तो 1, 2 और एक ये सारी 3, इसमें 3 हुई, इसमें कितनी हुई, 6। और अगर मैं आपको एक ऐसी यहां पर ट्रिक बताता हूं, एक फॉर्मूला ऐसा बताता हूं जिससे आप इसको भी बड़ी आसानी से काउंट कर सकते हो। अभी देखें इसमें सिमेट्री, देखें क्या बनी हुई है, क्या एक सिस्टम बना हुआ है, 1 + 2 कितना हुआ, 3, और 1 + 2 + 3 कितना हुआ, 6। और फिर एक ट्रायंगल और ड्रॉ करके देखते हैं हम, 1, 2, 3 ऐसे देखते हैं, 1, 2, 3, 4, 5। अगर आप इसको काउंट करते हैं तो हमने करना क्या है, सिंपल 1 + 2 + 3 + 4 + 5 ऐसे करना है, कैसे, 1, 3, 6, 10, 15। तो इसमें कितनी ट्राइंगल्स बनेंगी, 15। कितनी त्रिभुजें बनेंगी, 15। और इससे भी आसान, अब देखें इसको करके देखते हैं हम, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब इसमें कितने ट्राइंगल्स बनेंगी, हम 7 तक के काउंट करेंगे, टोटल को जोड़ करेंगे, 1 + 2 + 3 + 4। एक तरह से हो क्या रहा है ये, हम क्या कर रहे हैं, प्राकृतिक संख्याओं का जोड़ कर रहे हैं, प्राकृतिक संख्याओं का जोड़ कर रहे हैं। तो हम इसमें एक फॉर्मूला बना सकते हैं, कितना है ये, 7। और अगर आपको संख्याएं जोड़नी हो तो उसमें एक मैथ में एक फॉर्मूला है हमारे पास, n + 1/2। तो हमारे पास कितनी है, 7। तो 7 + 1/2 यानी कि 7 × 8/2 कितना हुआ, 4, 28। तो आप इस तरीके से भी इसको कर सकते हैं, क्योंकि वैसे आप प्लस करोगे तो और टाइम आपका कंज्यूम हो जाएगा, लेकिन हमें क्या है रीजनिंग में हमें अपने टाइम को बचाना है, वरना काउंट तो आप फिगर कर सकते हो लेकिन आपको बहुत ज़्यादा टाइम आपका वेस्ट हो जाएगा। तो अगर आप ये तरीका इसमें अपनाओगे, ये फॉर्मूला लगाओगे,
तो आप इस तरह से, इस पैटर्न से इन त्रिभुजों को, इसमें कितनी ट्राइंगल्स बनी हुई हैं, उन सबको बड़ी आसानी से काउंट कर सकते हो। तो जैसा कि आपने देख लिया टाइप वन, तो नेक्स्ट हम अब देखते हैं हमारे जो ट्राइंगल काउंट करने का टाइप टू, यानी कि दूसरे प्रकार से ट्राइंगल कैसे आएंगी हमारे पास और उनको हम कैसे सॉल्व करने वाले हैं। तो देखते हैं हमारा टाइप टू, देखते हैं ये टाइप टू है। ऐसी फिगर भी आपके पास कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आने वाली हैं और इसको कैसे काउंट करेंगे, इसके अंदर कितने त्रिभुज बने हुए हैं, कितने ट्राइंगल्स बने हुए हैं, उनको हम देखते हैं। क्योंकि हमने अगर इसके बेस को समझ लिया, सिंपल में सबसे पहले समझते हैं हम। देखिए अब यहाँ पर ये क्या है, इसमें कितने त्रिभुज हैं, ये वन। और अगर मैं यहाँ पर लिख, यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, तो अब देखिए इसके अंदर कितनी त्रिभुज बनी है, एक त्रिभुज तो यहाँ पे बनी हुई है और एक ये सारी बनी हुई है, तो कितनी बनी हुई है, इसके अंदर दो त्रिभुज बनी हुई है। और अगर हम ऐसे करते हैं, अब देखिए एक त्रिभुज तो यहाँ पे बनी है और एक यहाँ पे बनी है दो, और एक यहाँ पर बनी है तीन, तो इसमें कितनी है, दो, और इसमें कितनी बनी है, तीन। तो यानी कितनी, अब हम इसको देखते हैं कि हमें काउंट ना करनी पड़े, ऐसे ऐसे बार बार हमें इसको काउंट ना करना पड़े, तो बिल्कुल एक इसका आसान सा तरीका है, उसको देखते हैं हम। इसके अंदर बेस लाइन कितनी है, यानी कि जिनके ऊपर त्रिभुज बना हुआ, एक लाइन ये है और एक ये है, इसमें कितनी लाइन है, दो, त्रिभुज कितने बने, दो, इसमें कितनी है बेस लाइन, थ्री, तो कितने ट्राइंगल बने, थ्री। तो बिल्कुल सिंपल, देखो बन रहा है ना फॉर्मूला अपने आप। तो इसके अंदर देखिए कितनी बेस लाइन है, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, तो इसमें ट्राइंगल कितने बनने वाले हैं, सेवन। कितने ट्राइंगल बनने वाले हैं इसमें, सेवन। और अब हम क्या करते हैं, हमारे पास एक इससे नेक्स्ट में बिल्कुल ऐसा ही टाइप थ्री, तो टाइप थ्री को हम कैसे करें, इसका टाइप थ्री इसको चेंज कर देते हैं हम, और हमारे पास कैसे आने वाली है फिगर, ऐसी इस टाइप से भी हमारे पास आने वाली है। तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे हम देखते हैं। अब देखते हैं हमारे पास सबसे ऊपर यहां से काउंट करते हैं हम, ये ऐसे बनी हुई। सबसे पहले हमने क्या देखा, यहां पर अब ये सबसे फर्स्ट क्वेश्चन मैंने आपको करवाया था कि इसके अंदर वन टू, हमने क्या करना था, वन और टू को प्लस करके इसमें कितनी बनी थी, थ्री। और अगर मैं इसको थोड़ा सा और बड़ा करता हूं, ऐसे ऐसे और ऐसे, अगर मैं इसको यहां तक ले आता हूं अब, तो अब इसमें कितनी बनेगी, देखें इसमें यहां पर वन टू ये होगी ना, वन टू और ये पूरे का पूरा थ्री, यानी कि ऊपर कितनी बनेगी, थ्री, जैसा कि यहां बना है। अब इसको आप भूल जाएं, अब यहां तक इसको पूरी इस ट्राइंगल को देखें यहां तक, अब इसमें भी कितनी है, वन टू, यानी कि इसमें कितने बने हैं अब, थ्री, नीचे भी कितने बने हैं, तीन, यानी कि यहां से अगर हम इसको लेते हैं तो यहां पर भी ये तीन, और ऊपर भी यहां तक कितने बने, तीन, यहां भी कितने बने, तीन। यानी कि हमने क्या करना है, सिर्फ लाइन को, त्रिभुज को काउंट करना है कि ऊपर कितनी त्रिभुज बनी हुई है, और सेम जो पहली हमने त्रिभुज बनाई थी, जो ट्राइंगल पहले बनाया था हमने, तो उसके वो ही इसके अंदर बेस रहने वाला है इसका। तो देखेंगे इसमें कितनी बनी थी, थ्री, तो अब इसको टोटल काउंट करें कितनी, थ्री, तो टोटल कितनी हुई है, सिक्स, यानी कि थ्री इसमें यहां पे बनी है और थ्री इसमें यहां पर बनी है। तो अब देखते हैं हम यहां पर, अब इसमें कितनी है, वन टू, इसमें भी थ्री बनेगी, वन टू वन टू वन टू वन टू वन टू वन टू, तो कितनी बनी है, सभी में थ्री थ्री, कितनी बार बनी है, थ्री थ्री, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, यानी कि सेवन टाइम। तो हम क्या करेंगे, थ्री थ्री, तो सेवन को थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल कितनी बनेगी, 21, यानी कि 21 बनने वाली है। और अगर थोड़ा हमें इसको और टफ करता हूं, देखिए अगर इस टाइप से फिगर आपके पास आ जाती है, तो अब देखते हैं इसके अंदर कितनी ट्राइंगल बनने वाली है। तो अब देखिए इसमें कितना हुआ, वन टू थ्री फोर,
अब जब 4 है तो मैंने ये बताया था आपको, अगर किसी में 4 है तो हम क्या करेंगे, एन एन प्लस 1 बाय 2, यानी कि इसको क्या करेंगे, 4, 4 प्लस 1 यानी कि 5 डिवाइड बाय 2, तो कितनी हुई 10। तो इसमें कितनी बनेगी यहां पर 10। तो अब देखिए कितनी बेस लाइन है, अब हमने क्या काउंट करना है, बेस लाइन 1 2 3 4 5 6 7। तो अब देखते हैं एक में कितनी बनी है 10, तो 7 में कितनी बनेगी, 10 को मल्टीप्लाई कर दो 7 से, 70 ट्राइंगल इसमें बनने वाली है। इसमें चाहे जितनी मर्जी लाइनें लगाएं, कितनी भी कन्फ्यूजिंग फिगर आपको आ सकती है, ऐसी जितनी मर्जी लाइनें इसमें लगे, आपने क्या करना है, बस देखना है कि वो लाइन स्टार्ट हुई है ऊपर से और नीचे तक आई हुई है। तो सिर्फ क्या काउंट करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 8। तो क्या कर रहा है, 8 हुआ, यानी कि यहां पर 8 बनी हुई है। तो 8 के लिए मैंने निकालने के लिए क्या बताया था आपको, n n plus 1 by 2, यानी कि 8 मल्टीप्लाई 9 बाय 2 4, उसको मल्टीप्लाई करेंगे 36, यानी कि एक में कितनी बनी 36। तो हमने क्या करना है, इसमें काउंट करना है इसको 1 2 3 4 5 6 7, तो हम इसको 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर क्या रहने वाला है, 252। तो 252 ट्राइंगल्स इसमें बनेंगी। और अगर आप इनको काउंट करोगे तो कितना टाइम आपका वेस्ट हो सकता है, लेकिन अगर आप इस टेक्निक से इसको करोगे तो बिल्कुल आराम से ये आपकी होने वाली है। तो हम फिर देखते हैं हमारा जो टाइप 4 है, तो चलिए देखते हैं उसको। तो टाइप 4 देखते हैं हम, ये हमारे पास फिगर, इस टाइप से फिगर भी आपको आने वाली हैं। और ये अब देखिए इसमें कितने ट्राइंगल बने हुए हैं, तो बहुत कन्फ्यूज़न है इसको। बिल्कुल सबसे पहले हमने क्या करना है, जो फिगर हमें दी हो उसको सिंपल करना है। देखते हैं, स्टार्टिंग में ये कैसी है, ऐसे। तो अब हम इसमें क्या करते हैं, इसके ट्राइंगल काउंट करते हैं, कितने ट्राइंगल इसमें बने हुए हैं। देखिए 1 2 3 4, अंदर कितने बने हुए हैं 4, और देखिए बाहर वाली जो है प्लस 1, तो कितने हो गए हैं 5। तो जो देखते हैं, अगर इस टाइप से आपके पास कोई भी फिगर आ जाए, कोई आकृति आ जाए, उसमें पूछा जाए कि इसके अंदर कितने कितने त्रिभुज बने हुए हैं, तो हमें क्या करना है, जब इस प्रकार से एक त्रिभुज खड़ी हुई है और उसके अंदर एक त्रिभुज बनी हुई है जो उसकी तीनों भुजाओं को टच करती है, यानी कि उसकी जो लाइंस हैं तीनों उनको टच करते हुए एक त्रिभुज बनती है, तो उसमें अंदर कितनी बनेगी 4 1 2 3 4, और एक ये बाहर से बनेगी 1, तो कितना हो जाएगा 5। तो सेम मैंने अब क्या कहा है कि जब तीनों लाइनों को टच करती हुई एक त्रिभुज बने तो अंदर कितनी त्रिभुज बनती है 4। अब देखते हैं इसमें अगर यहां पर एक त्रिभुज और बने, अब क्या है? मैंने अभी कहा था जब कोई त्रिभुज अंदर की तीनों भुजाओं को टच करते हुए एक त्रिभुज और बने तो उसमें कितनी बनती है 4। अब इससे कितनी बनेगी 4। अब इससे कितनी बनी है 4, यानी कि 4 प्लस 4, और एक ये बाहर वाली 1, तो टोटल कितनी हुई है 9। टोटल ये 9। तो अभी देखते हैं इसके अंदर क्या है, इसके अंदर एक ट्राइंगल और बनी हुई है। तो हमें क्या है कि जब ट्राइंगल के अंदर ट्राइंगल बनती है और वो उसकी तीनों भुजाओं यानी कि उसकी जो तीन साइड है उसको अगर वो टच करते हुए एक अंदर ट्राइंगल बनती है तो उसमें कितनी त्रिभुज बनती है, कितने ट्राइंगल बनते हैं 4, यानी कि एक से कितने बनते हैं 4, और एक होता है बाहर वाला 5। अब इसमें जैसे हमने देखा था 9 हुए थे, लेकिन इसमें एक ट्राइंगल और एक्स्ट्रा बनी हुई है अंदर, तो उस एक्स्ट्रा के लिए क्या करेंगे हम, सिर्फ एक 4 ऐड कर देंगे। यानी कि देखो ट्राइंगल कितनी है इसके अंदर 1 2 3, यानी कि एक से कितनी बनती है 4, तो 3 से कितनी बनेगी, तो 3 मल्टीप्लाई 4 कितना हुआ 12, और एक बाहर की जो 1 हमें एक्स्ट्रा ऐड करनी है, तो कितनी ट्राइंगल इसके अंदर बनेंगी हमारी, बनेंगी इसके अंदर 13, यानी कि 13 त्रिभुजें इसके अंदर बनेंगी। अब ये टाइप 5 भी कह सकते हैं आप, या टाइप 4 में ही एक थोड़ा सा एडिशन और है, इस प्रकार से ट्राइंगल भी आपको आ सकती है ऐसी, इस प्रकार से अभी
अभी देखते हैं इस प्रकार की फिगर भी आपको आ सकते हैं। तो उसमें ट्रायंगल कैसे काउंट करेंगे, अभी देखो हमने सिंपल ही ट्रायंगल पहले काउंट किए, हमने सेम पहले वही फॉर्मूला लगाना है जो इसमें लगा हुआ है। उसके बाद इसमें सिर्फ क्या ऐड हुआ है, अभी यहां पर हमारे एक एक लाइन और ऐड हुई है। अब जो जो लाइन ऐड हुई है उससे कितने ट्रायंगल बनी है ये देखना है, 1 2 3 4 5 6। अगर इसकी बात करते हैं तो इसमें 90 और 9 में 6 प्लस हो जाएगा तो हमारी कितनी ट्रायंगल बन जाएंगी, 15 ट्रायंगल बन जाएंगी। और अगर उसकी बात करते हैं उसमें 13 बनी हुई थी और कितनी, 1 2 3 4 5 6, तो इसके अंदर 6 प्लस यानी कि 19 ट्रायंगल इसके अंदर, सॉरी हाँ ठीक है, 19 ट्रायंगल इसके अंदर यहां से बन जाएंगी हमारी। और थोड़ा सा कंफ्यूजन और भी पैदा हो सकता है अगर फिगर के अंदर क्या हो, यहां पर भी ऐसे बना हो यहां पर, तो फिर क्या रहेगा, 1 2 3 4 5 6, तो इसमें 6 और ऐड हो जाएंगी, कितना रहेगा, 21। और अगर इसके अंदर भी यहां से ऐसे हुआ, यहां पे ऐसे किया, अब कितनी है, 19, तो इसमें 6 प्लस और हो जाएगी, कितना हो जाएगा ये, 25। और अगर और अंदर भी हो सकता है इसके, देखिए ऐसी फिगर भी आपको आ सकती है ज्यादा कंफ्यूजन के लिए, तो कंफ्यूज नहीं होना। उसके अंदर फिर हमने 6 प्लस करना है तो कितनी हुई, 31। तो 31 ट्राइंगल इसके अंदर ऐसे बन सकती है। आपने कॉन्सेप्ट को, बेस को समझना है, फिर जितनी मर्जी कंफ्यूजन फिगर हो अगर आपको उसका बेस क्लियर है तो आप उसमें बिल्कुल आसानी से ही ट्राइंगल काउंट कर सकते हैं। तो देखते हैं हमारी ये टाइप 4 थी, तो टाइप 5 को देखते हैं नेक्स्ट में हम। तो ये जो हमारी ट्राइंगल है इस टाइप से बनने वाली है, टाइप 4 है, 4 हम आपको करवा चुके हैं पहले। और इस प्रकार से देखिए ऐसी ट्राइंगल्स आपके पास आ सकती हैं, तो इनके अंदर काउंटिंग कैसे करनी है वो हमने देखना है। सबसे पहले मैंने इस फिगर की काउंटिंग आपको सिखाई थी, इसमें क्या था कि 1 2 3 4 और ये सारे का सारा एक ट्राइंगल और है, तो कितनी हुई है इसके अंदर टोटल, 5। ये हमने पहले की थी कि जब भी कोई त्रिभुज है उसके अंदर एक ऐसी त्रिभुज बनी हुई है जो उसकी तीनों भुजाओं को टच करती है तो उसके अंदर 4 अंदर बनती है और एक वो बाहर की है, तो टोटल कितनी हुई उसके अंदर, 5। तो हम यहां पे है कितना, 1। अब नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं, इससे आगे ये है, अभी देखते हैं इसके अंदर काउंटिंग करते हैं, 1 2 3 4। अभी एक सारी हमने यहीं पे काउंट की थी, कितनी हुई, 5 6 7 8 9 10, कितनी हुई है, 10। और एक ये सारी बनी हुई है अब, तो कितनी हुई टोटल, 11। लेकिन एक यहां से बनी हुई है, देखिए आप यहां पर ये बनी हुई है 12, और एक यहां से बनी हुई है, ये बनी हुई है 2 इसके अंदर प्लस हो जाएगा, तो इसके अंदर टोटल कितनी बनी हुई है, 13। कितने ट्राइंगल बनी हुई है, 13। लेकिन फिर बात इसकी आएगी, फिर बात इसकी आएगी, और इससे बड़ी फिगर भी हो सकती है। तो अगर जब तक छोटी है तो हम काउंट कर सकते हैं, लेकिन अगर इससे बड़ी फिगर हमारे पास आएगी तो हम काउंट करने में हमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। हम काउंट तो कर सकते हैं लेकिन हमारा जो टाइम है वो बहुत ज़्यादा वेस्ट एग्ज़ाम में हो जाएगा। अब ये आती क्यों है फिगर एग्ज़ाम में, इसी कारण आती है कि बच्चे के टाइम को ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूम किया जाए, कि जो बच्चा स्टडी करके अच्छे से आएगा वो इनको बहुत जल्दी निकालेगा, लेकिन जो पहली बार एग्ज़ाम में जाते हैं इनको देखेगा तो वो तो बेचारा काउंट ही करता रहेगा। अब हमें करना क्या है, इसमें हमें एक चीज़ दिखाई दे रही है सभी के अंदर, अगर आपको भी वही चीज़ दिखाई देगी, देखें जितनी भी भुजाएँ हैं, ये जो त्रिभुज हैं ये सभी एक त्रिभुजें बनी हुई हैं, ठीक है। तो अब हम देखते हैं इसके अंदर 5, इसके अंदर 13 है, लेकिन एक बात अगर आप इसमें देखें, यहाँ पर इस लाइन पर कितनी त्रिभुज बनी हुई है, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, कितनी बनी, 3। यहाँ पर कितनी बनी, 3। यहाँ पर कितनी बनी, 3। इसमें क्या है, यहाँ पर 2, ये 2, यहाँ पर 2, सारी क्या बनी हुई है, 2 2। इसके अंदर क्या है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। सेम इसमें भी 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। यानी कि इन फिगर में हमें एक चीज़ दिखाई दे रही है कि जितनी भी त्रिभुज की सबसे बड़ी जो त्रिभुज है उसकी जो लाइन है उसके ऊपर सभी में तीनों भुजाओं के ऊपर सेम, यानी कि सेम त्रिभुज बनी हुई है। 5 अगर 5 है तो सभी 5 5 बनी हुई है, 4 है 3 है, तो चार तीनों तरफ ये बनी हुई है। तो हमने क्या करना है, हम सबसे पहले इसको लेते हैं,
इसमें क्या है, 1, 2, ठीक है, कितनी है इसमें, त्रिगुणी 1 और 2। हमने क्या करना है, सबसे पहले लेना है 1, 1 के अंदर इस 2 को प्लस करना है, कितना आया 3, तो टोटल कितना हुआ हमारा यहां पर 4। अब हमने क्या करना है, नीचे से ऊपर की तरफ चलना है, सबसे फर्स्ट को छोड़ना है, उससे आगे वाले को काउंट करना है, कितना हुआ 1, इसमें प्लस करें कितना आया 5, तो कितनी बनी हुई है 5। दोबारा से मैं आपको इसमें समझाता हूं, अब ये तो था 2 वाला, अब देखते हैं 3 में, 3 में क्या करना है, कितने हैं 1, 2, 3, सबसे पहले इसको हमने 1 को लिया, उसके अंदर क्या करना है, नेक्स्ट 2 को प्लस करना है, कितना हुआ 3, 3 में 3 को प्लस करें कितना हुआ 6, अब इनको प्लस करें कितना हुआ ये 10। मैंने कहा था आपको नीचे से ऊपर की तरफ चलना है, हमने क्या करना है, फर्स्ट को छोड़ना है, सेकंड को लेना है, फिर थर्ड को छोड़ दिया हमने, यानी कि एक को छोड़ना है एक को लेना है, तो किसको लेना है 3 को, अगर हम 10 में 3 प्लस करते हैं तो कितना आया 13, और हमने काउंट की थी तो कितना आया था 13, कितना आया था 13। अब चलते हैं यहां पर 1, 2, 3, 4, अब ये करते हैं 1, 2, 3, 4, सबसे पहले लिया 1, उसमें 2 प्लस किया 3, इसमें 3 प्लस किया 6, इसमें प्लस किया 4, यानी कि हुआ 10। अगर हम इनको काउंट करते हैं कितना हुआ 16, और हमारा 4 कितना हुआ ये 20। अब हमने क्या करना है, नीचे से ऊपर की तरफ चलना है, फर्स्ट को छोड़ना है, सेकंड को लेना है, फिर इसको छोड़ना है, इसको लेना है, तो इसको और इसको लिया कितना हुआ 1 और 6, 7, तो इसमें प्लस करेंगे तो कितना आया 27। यानी कि जो इस टाइप से फिगर है इसके अंदर टोटल कितने ट्राइंगल बनेंगे 27। फिर बात आती है हमारी 5 में, अगर ऐसे 5, 5 के अंदर सभी ट्राइंगल यानी कि त्रिभुजे बनी हो सभी भुजाओं पर, तो हम क्या करेंगे उसके अंदर 1, 2, 3, 4, 5, सब स्टार्टिंग में 1 लिया, उसके अंदर 2 प्लस किया कितना हुआ 3, इसके अंदर 3 प्लस किया कितना हुआ 6, 6 के अंदर 4 प्लस किया कितना हुआ 10, 10 के अंदर 5 प्लस किया कितना हुआ 15, तो यहाँ पे टोटल कितना हो गया इसका 35। फिर हम नीचे से ऊपर की तरफ चलेंगे, इसको हमने छोड़ दिया इसको लिया, इसको हमने छोड़ दिया इसको लिया, इसको हमने छोड़ दिया, किस किस को लिया 3 को और 10 को 13, तो इसमें 13 प्लस करेंगे तो आंसर कितना आएगा 48 ट्राइंगल। तो ऐसे इस टाइप की जो भी त्रिभुज आपके पास आएगी तो उसको ऐसे हमने सॉल्व करना है, बिल्कुल जल्दी से हम इसको सॉल्व कर पा रहे हैं। और इससे नेक्स्ट जो वीडियो हमारी इसके बाद जो वीडियो रहेगी तो वो हमारी रहेगी स्क्वेयर, यानी कि वर्क काउंट करेंगे हम, उसके ऊपर वर्क की जितनी फिगर होंगी उनके अंदर हम कितने वर्क बने हैं ये काउंट करेंगे, तो वो वीडियो इसके नेक्स्ट यानी कि फिगर जो काउंटिंग का है वो पार्ट 2 रहेगी, तो इसके बाद हम वो वीडियो बनाने वाले हैं। अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करेंगे, क्योंकि जैसे ही हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी तो वो आपको जल्दी से जल्दी मिल जाएगी। और अगर आपको हमारी ये ट्रिक्स और ये फिगर काउंटिंग ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारी वीडियो को शेयर और लाइक जरूर करो। तो टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। नीचे हमारी वीडियो देखोगे तो उसके डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का, तो उसको ज्वाइन करने के लिए आप लिंक पर क्लिक करके उसको ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि हम NTSC की तैयारी उसमें करवाने वाले हैं। जैसे ही NTSC के एग्ज़ाम शुरू होंगे तो हम उसमें फ्री के अंदर आपके मॉक टेस्ट लेने वाले हैं, 20 टेस्ट हमने मॉक बनाएंगे हम, और बिल्कुल उनका जो पैटर्न रहेगा वो NTSC का रहेगा और वो टोटली मैट पे डिपेंड रहेंगे। कोई और अगर किसी भी वैकेंसी में एग्ज़ाम में बैठना चाहता है तो उसके लिए भी उसके अंदर ऑप्शन रहेगा। तो प्लीज़ ज्वाइन आवर चैनल वंडर माइंड। तो टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में जो रहेगी फिगर काउंटिंग का पार्ट 2।